हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्स अवेयर। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी ICAR की जो रैंक है वो 34 की रैंक है। इस कॉलेज का ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1972, बट 2001 में इस कॉलेज को रिनेम किया गया है। इसका नाम रखा गया है डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली। और फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कॉलेज हमें कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, तो BSc एग्रीकल्चर, BTech और ये दो कोर्सेज ये कॉलेज ऑफर करता है। BSc एग्रीकल्चर की इंटेक कैपेसिटी है 60 है, और सॉरी फ्रेंड्स, BSc एग्री की 60 है और BTech की जो है इंटेक कैपेसिटी वो 65 है। और BSc एग्री का इसका जो है कट ऑफ वो 108 points रह चुका है फ्रेंड्स। और ICAR की भी ICAR के थ्रू अगर आप एडमिशन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 50 सीटें अवेलेबल है। और ICAR की आपकी रैंक जो सॉरी फ्रेंड्स, ICAR के जो मार्क्स है आपको वो 300 से ऊपर होने चाहिए। और फ्रेंड्स, फीस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर की आपको 27,000 इसकी फीस लगती है फ्रेंड्स। उसमें आपको इंस्टीट्यूट फीस पर प्लस हॉस्टल फीस आती है, और मेस इसकी 1800 से 2000 के बीच आपको आती है फ्रेंड्स। और महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए जो है मोड ऑफ एडमिशन MSTCT और अदर स्टेट के बच्चों के लिए जो है ICAR है। उसके बाद स्टूडेंट मेस की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज की जो मेस है वो ग्रेट में अच्छी मेस है, और फूड वैरायटी भी आपको अच्छी प्रोवाइड करती है। और इस कॉलेज के जो सभी प्रोफेसर है वो हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, और वेल क्वालिफाइड स्टाफ है यहाँ पे। और जो सभी जो प्रोफेसर है वो PhD और MSc किए हुए प्रोफेसर है। उसके बाद आपको फैसिलिटीज़ में यहाँ पे 400 मीटर्स का जॉगिंग एरिया मिल जाता है, और सभी तरह की स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ एक कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। ग्राउंड्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिम और सभी तरह की इंडोर और आउटडोर गेम यहाँ पे अवेलेबल है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो हॉस्टल है वो नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे आपको वाईफाई भी अवेलेबल है, और एक रूम में जो है आपको 3 पार्टनर रहने रखे जाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 24 हावर्स आपको लाइट और पानी की सुविधा मिलती है। और फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बस स्टैंड यहाँ से दापोली का जो बस स्टैंड है वो 1 किलोमीटर है, और रेलवे स्टेशन जो है खेड़ा रेलवे स्टेशन करके है यहाँ पे, वो आपको यहाँ से 13 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज का अगर वीडियो चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।